जनूबी पंजाब में जश्न आजादी की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। मुल्तान, रहीम यार खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ समेत सराय के खत्ते में सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश। गुलगश्त, चुंगी नंबर 6, शाहीन मार्केट समेत दीगर इलाकों में शहरी सब्जे लाली परचम, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी करने लगे। जगह जगह परचमों की बहार, मिली नकमों की धुने, सरकारी इमारतों और शाहराहों को भी सब्जे लाली परचमों से सजा दिया गया। बच्चे और बड़े सभी यौम आजादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म। जश्न आजादी पुरजोश और जज्बे उरूज पर पहुंच गया। मुल्तान में यौम आजादी के मौके पर तहरीक इंसाफ सिटी तंजीम की डोगर हाउस में तकरीब। चीफ वहेब कौमी असेंबली मलिकामी डोगर, सिटी सदर तहरीक इंसाफ अदनान डोगर, नायब सदर शेख वाजिद शौकत और जनरल सेक्रेटरी बाबर की शिरकत। यौम आजादी का केक भी काटा गया। जश्न आजादी पर डीजी खान, जिले इंतजामिया की जानिब से शेड्यूल का ऐलान। मरकजी तकरीब कमिश्नर ऑफिस में होगी। कमिश्नर्स, डीसीओ और डीपीओ तकरीब में शिरकत करेंगे। 8:55 पर सरकारी सतह पर सायरन बजाए जाएंगे। कमिश्नर ऑफिस में सुबह 9 बजे परचम कुशाई होगी। मरकजी तकरीब के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शजरकारी होगी। महकमा सेहत मुल्तान में 2018 और 2019 के दौरान मुबैना तौर पर 10 करोड़ से जायद की बेजाब्तगियों का इंकशाफ। महकमा ऑडिट की सूबाई सेक्रेटरी सेहत और अकाउंटेंट जनरल पंजाब को इंक्वायरी की सिफारिश। गैर कानूनी तरक्की, तनख्वाह और वाजिबात की अदायगी में बेजाब्तगियां रिकॉर्ड की गईं। उलमा